किसी आदमी को अगर कोई कष्ट हो और उसे मार दिया जाए तो ईमानदारी से बताना फिर उसके सारे कष्ट कट जाते हैं कि कट जाते हैं। जब कोई ज्यादा तड़प रहा होता है तो सब लोग कहते हैं भगवान अब इसकी सुन ले जो इसके सारे कष्ट कट जाता है। कहते हैं तो मरने पर तो सारे सुख मिल जाते हैं और आपने बदला लेने के चक्कर में क्या किया गए और आपने उसे जाके मार दिया। अब वह तो मर के आराम में हो गया, पुलिस आई आपके हथकड़ी लगाई और जेल में ले जाए के डाल दो। अब ईमानदारी से बताओ कष्ट में मरने वाला है कि तुम हो, कौन है कष्ट में? तुम ही तो हो। तो मारना अगर चाहते हो तो जान से मत मारो और जान से मारोगे तो बस मारा ही जाएगा। और अगर किसी को मारना है तो एहसान से मारो, एहसान से मारोगे तो नजरे न मिला पाए। आज द्रौपदी ने अश्वत्थामा को एहसान से मार दिया, प्राण बचा लिया उसका, निस्तेज करके निकाल दिया राज्य से। किसी को कहते हैं बड़ी को छीनना, किसी की इज्जत को छीनना। आपने एक उदाहरण दे, आपने मड़ी छीन करके इज्जत के लिए, इज्जत कैसे छिन गई? तो कहावत हर गांव मोहल्ले में कही जाती है, सब जानते हैं, अगर किसी के यहाँ कोई बुरा काम हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे फलाने के घर में देखो ना कटवाए गई बिन्ने तो कहते हो तो कबा गई में ना कई कट जाता कि सचमुच में नाक कटी है नहीं कटी तो नाक काहे को कहते हैं? बुरा काम किया बेइज्जती करवाई, इसी को तो कहते हैं कि नाक कटवाई गई। तो जब नाक कटक ना फिर भी कहते हो नाक कटवाई गई, तो उसी प्रकार से जो तेज रूपी मड़ी थी उसे अर्जुन ने छीन करके अपमानित करके निकाल दिया। मन में भ्रम मत रखना कि अश्वत्थामा के सर को चीरा गया था, यही कथा का रहस्य है। और भैया कथा तभी समझ में आती है श्रोता भक्ता ज्ञान अनिद और कथा राम कई गुण। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आइए भगवान का एक भजन बोलते हैं, उसके बाद प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे।